वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डीजी क्लास फॉर योर हिस्ट्री बुक। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड विद योर फर्स्ट चैप्टर इन योर हिस्ट्री बुक, दैट इज़ हाउ व्हेन एंड वेयर। ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपके चैप्टर वन को, जिसमें हमने क्या देखा था, इम्पॉर्टेंस ऑफ डेट्स, यानी कि डेट्स की क्या इम्पॉर्टेंस होती है हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या देखा था कि हिस्ट्री को हम किस डिवीज़न में जो है बांटते हैं, यानी कि डिवीज़न्स ऑफ हिस्ट्री क्या क्या हैं। हमने देखा था एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न एज, थ्री पार्ट्स में जो है हम हिस्ट्री को जो है स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमने कुछ जो है सोर्सेज के बारे में जाना था कि हम जो हिस्ट्री को अगर हमें जानना है तो कौन कौन से जो हैं सोर्सेज हमें अवेलेबल होते हैं। हमने देखा था कि कुछ जो हैं क्या हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में तो पर्टिकुलरली क्या है, जो ब्रिटिशर्स आए थे वो क्या थे, रिकॉर्ड रूम्स को मेंटेन करते थे, है ना, और उनके पास जो हैं अपने वर्क से रिलेटेड सारे क्या होते थे, रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते थे। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स, पुरानी मैगजीन्स, नॉवेल्स, है ना, या फिर बुक्स जो उस टाइम में मार्केट्स में बिकती थी, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, पेंटिंग्स होते हैं, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल लीडर्स के जो लेटर्स होते थे जो वो लिखते थे, है ना, तो इन सब को जो है ये सारे क्या हैं, हमारे हिस्ट्री को जानने के कुछ सोर्सेज हैं, जिनकी हेल्प से हम जो है ये जान सकते हैं कि हिस्ट्री में यानी कि पास्ट टाइम में लोग जो हैं किस तरीके से सोचते थे, क्या कैसी उनकी लाइफ थी, कैसे सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस हमारी कंट्री की उस टाइम पे थी। ठीक है, फिर किस तरीके से जो है कॉलोनाइजेशन हुआ, यानी कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, जो है स्टार्टिंग में वो ट्रेड के पर्पस से यानी कि बिजनेस के पर्पस से इंडिया में आए थे, और धीरे धीरे कैसे उन्होंने जो है अलग अलग स्टेट को कैप्चर करते हुए हमारी कंट्री को कॉलोनाइज कर लिया, यानी कि अपना गुलाम बना लिया, ठीक है, अपना एक जो है पार्ट बना लिया, और इंडिया को जो है क्या करने लगे, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, हर तरीके से कंट्रोल करने लगे। ठीक है, और अंग्रेज़ों ने क्या करा, उनको उनका क्या मानना था कि अगर हमें किसी कंट्री को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हमें उस कंट्री के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने क्या करें, अलग अलग तरीके के सर्वेज कराए, तो वो जो सर्वे हैं वो भी हमारा जो है बहुत अच्छा एक सोर्स होता है हिस्ट्री को जानने का। उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे कराए, ठीक है, सेंसिस कराए यानी कि जनगणना करवाई, ठीक है, और बोटैनिकल सर्वे कराते थे, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमें क्या नहीं बताते हैं, किन चीज़ों के बारे में नहीं बताते हैं, जो कि ब्रिटिशर्स से अलग थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स रिकॉर्ड्स हैं, जो भी उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स बना रखे थे, वहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उन सब में हम क्या जानते हैं, जो भी ब्रिटिशर्स हमें बताना चाहते हैं, यानी कि जो उनके फ़ायदे की चीज़ थी या जिन चीज़ों में वो इंटरेस्टेड थे, सिर्फ उन्हीं चीज़ों के वो रिकॉर्ड मेंटेन करते थे और अपनी हमेशा एक पॉजिटिव इमेज दिखाने की कोशिश करते थे। तो इन रिकॉर्ड्स को, जो पर्टिकुलर जो ब्रिटिशर्स के टाइम के रिकॉर्ड्स हैं, उनको जान के हम कभी भी जो है अपनी कंट्री की एक ट्रू पिक्चर के बारे में नहीं जान सकते। तो अगर हमें अपनी कंट्री के बाकी लोगों की लाइफ के बारे में जानना है, उनकी हिस्ट्री के बारे में जानना है, तो हम कौन से रिकॉर्ड्स पर रिलाई कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास बचती हैं कुछ बुक्स जो उस टाइम पर बिकती होंगी, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, जो फेमस लीडर्स हुए उन जो वो डिबेट करते थे, कोई नॉवल लिखता था या कोई पोएट्री करता था, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को स्टडी करके हम जो हैं आम जनजीवन यानी कि जो पीपल थे उस टाइम पे इंडिया के, उनकी लाइफ के बारे में स्टडी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग जैसे पीजेंट हैं, लेबरर्स हैं, जिनके बारे में ज़्यादा रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, उनके बारे में हम अभी भी जो है ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम चैप्टर वन हिस्ट्री की जो है डिजिटल जो है वीडियो देखेंगे और हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
Listen carefully. Here's a short story about two friends, Johnny and Peter. Johnny had come to town to buy a dog. When he opened the door of his house, the dog ran straight into the kitchen. Peter was cooking food for his birthday party. Johnny chose the dog and took it home. Peter went to the door and opened it. All of a sudden, a big crowd of people in the garden started singing happy birthday. He spent a while looking in a pet shop for a dog. Suddenly, the doorbell rang. Could you comprehend the above? Wasn't it all a bit puzzling? Now, listen to this. Johnny had come to town to buy a dog. He spent a while looking in a pet shop for a dog. Johnny chose a dog and took it home. When he opened the door of his house, the dog ran straight into the kitchen. Peter was cooking food for his birthday party. Suddenly, the doorbell rang. Peter went to the door and opened it. All of a sudden, a big crowd of people in the garden started singing happy birthday. You didn't understand this idea, as the events that made up the action were not in a logical order. So you now realize that correct sequence is important for us to understand scenarios. The same happens when you study history. Events need to be recorded in a sequence or order. But how is it possible to arrange the innumerable events that have occurred across the ages? And why is it important to do so? Let us look into this. When a very young child plays with bricks, to the child, a single brick may mean a house. But as the child grows up, he or she learns to join a lot of bricks together to make a house. In the process, the child has developed a sense of sequencing and interdependence as one brick is placed after another. Now imagine each brick was a date in history. We arrange the dates in the order of the relationship of significant events or periods, that is, in the order in which they occur. This is known as chronology. But how do we demonstrate the sequence of historic events that have occurred through many centuries? Timelines help us to visually demonstrate the chronology of events. To understand timelines, let us look at the example of the timeline of the Indian civilization. Events are fixed on the timeline according to the dates of their occurrence in a chronological sequence. A timeline is divided into equal time segments, months, years, or centuries, with one end representing the oldest events and the other end the most recent events. Now, we can recognize that a timeline converts the time sense into the space sense. Once history is organized in chronological order, it helps us understand and appreciate the historical relationships of years to events and personalities, thus making us chronologically conscious. Chronologies allow us to see how things have changed over time, or to understand scenarios before and after an event. Events in history can be analyzed now from multiple perspectives, that is, their location, duration and the extent of an event. Cause and effect relationships can be established, which explain the connections among people and events. Dates are important if we are to remember chronologies, but dates do not become important on their own.
They become important because a particular set of events around that time was important. The importance of dates changes with changes in the point of emphasis. We explain this with the following example. Some British historians describe British rule in India. According to the rule of each Governor General, namely Hastings, Wellesley, Bentinck, Dalhousie, Canning, Lawrence, Lytton, Curzon, Hardinge, Irwin, and Mountbatten. The dates were linked to these personalities, describing their activities, policies, and achievements. It did not mention the historic roles played by Indians, and hence the recorded history of India's independence struggle remains partial. Definitely, a new format was needed. The earlier dates would be replaced with new dates. Many times, events occur as a process over an era or phase of time. They cannot be determined on a single day. It is said that India gained its freedom on 15th August 1947. But this does not mean that freedom was achieved instantly on this day. It involved many years of agitation and campaigns. 15th August 1947 is recognized as marking India's beginning as a sovereign nation. On the basis of some commonly linked events, we break up time and analyze it into different phases. This division of time into different phases of the past is known as periodization. Periodization becomes important for us to learn history. It helps to quickly reflect our ideas about events and changes from one period to the next. Periodization of the history of one place may not be the same as that of another. They all have their own characterization. In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, in his book, The History of British India, divided Indian history on the basis of religious periods, Hindu, Muslim, and British periods. Though successfully accepted, Mill's conception of dividing Indian history on the basis of religion has many flaws. Because people and rulers of various faiths had lived in India. Classification of an era on the basis of a particular faith would be incorrect. Similarly, classifying India on the basis of Western periodization, that is, into ancient, medieval, and modern periods, creates misconceptions. The period of modernization in the Western world was actually a time of slavery under the British for India, and was therefore accompanied by social and economic problems. Dates convey the exact time of a historical event and help to arrange events chronologically. Thus, we can say that history is synonymous with dates. Click on the tabs for a recap about the importance of dates, chronology, and periods in history. समझा रहे हैं कि क्रोनोलॉजी और डेट्स क्या होती है। देखो, अगर हम डेट्स को एक सिग्निफिकेंट कोई इवेंट है, सपोज कोई भी इवेंट हुई है, तो अगर हमने उसको प्रॉपर सीक्वेंस में जब हम उसको पुट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है जैसे सपोज पहले आपका बर्थ हुआ, ठीक है, उसके बाद आप स्कूल जाने लगे, ठीक है, स्कूल जाने लगे तो उसके बाद आपको साइकिलिंग आई, ठीक है, और बड़े हुए तो फिर आपने कॉलेज जाना शुरू किया। तो ये क्या है, एक क्रोनोलॉजी है जहाँ हम सिस्टमेटिक वे से जो है किसी भी घटना के क्रम को लगाते हैं, ठीक है, कोई जो इवेंट है वो कैसे कैसे कब कब आगे बढ़ी है
उस चीज़ को जो है हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। टाइमलाइन क्या होती है, टाइमलाइन जो है हमें विजुअली डेमोन्स्ट्रेट करती है क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स को, यानी कि हमें बताती है कि जो है घटनाओं का जो समय है वो अलग अलग क्या क्या रहा, कि इससे इस समय तक क्या रहा, इस समय से लेके उस समय तक क्या रहा, ठीक है। और जो टाइमलाइन है वो कन्वर्ट करती है, कन्वर्ट्स द टाइम सेंसेस इनटू स्पेस सेंसेस सेंस, मतलब आपको जो है टाइमलाइन की मदद से जो है डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को इजीली जानने में जो है हेल्प मिलती है। आप देखते हैं कि कोई घटना कैसे अक्कर हुई है, ठीक है। तो इसको हम क्रोनोलॉजी और डेट्स में पढ़ते हैं। देखो क्रोनोलॉजी की इम्पॉर्टेंस क्या होती है, इससे हमें हिस्ट्री को जो है ऑर्गेनाइज करने में जो है आसानी होती है, क्योंकि हमें एक सीक्वेंस पता चल जाता है, ठीक है, कि कैसे चीज़ें जो हैं समय के साथ साथ बदली हैं। तो क्रोनोलॉजी से, जैसे कि जब आप पैदा हुए उसके बाद आप जब स्कूल गए तो कैसे आप जो है ग्रो हुए, यानी कि कैसे आप बढ़े, तो क्रोनोलॉजी हमें बताती है कि चीज़ें कैसे समय के साथ साथ बदलती हैं, ठीक है। जैसे कि बिफ़ोर एंड आफ्टर इवेंट भी हमें पता चलता है कि इससे पहले क्या हुआ था और फिर इसके बाद क्या हुआ। जैसे हम कहेंगे कि 1857 का जो रेवोल्यूशन था उससे पहले क्या हुआ उस रिवोल्ट के, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, ठीक है। और जो है हिस्ट्री को जो है मल्टीपल पर्सपेक्टिव से जो है हम एनालाइज करने में हमें हेल्प करती है। मल्टीपल पर्सपेक्टिव क्या हुए, जैसे कि एक तो ये गवर्नर जनरल्स के पर्सपेक्टिव से हम हिस्ट्री को जान सकते हैं, दूसरा जो है हम इंडियन लीडर्स थे जो उनके लाइफ में क्या क्या हो रहा था और वो जो है इंडिया को फ्री कराने के लिए जो जो स्ट्रगल कर रहे थे, जब हम उनके बारे में जानते हैं तो हमें एक दूसरा पर्सपेक्टिव जानने को मिलता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश, यानी कि किसी घटना के पीछे का क्या कारण था और उस घटना का जो है रिजल्ट क्या रहा, उसको हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्लियर, ठीक है। डेट्स कैसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, डेट्स जो है हमें क्रोनोलॉजी को यानी कि सीक्वेंस को याद रखने में जो है मदद करती हैं। और एंड डेट्स हाईलाइट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स अराउंड दैट टाइम एज इम्पॉर्टेंट, यानी कि डेट्स जो है हमें ये बताती हैं कि कौन सी सेट ऑफ इवेंट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट रही हैं, तो उन इम्पॉर्टेंट डेट्स को हम जो है हाईलाइट करते हैं। तो हमें जैसे कि 15 अगस्त 1947, इसको हम कैसे याद रखते हैं, क्योंकि इस दिन हमारी कंट्री जो है फ्री हुई थी, तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनकी डेट्स को जो है हाईलाइट करती है क्या पर्टिकुलर कोई इवेंट को, क्लियर। अब हम देखते हैं पीरियडाइजेशन क्या होता है। पीरियडाइजेशन क्या होता है, इवेंट्स अक्कर ओवर एन एरा और फेज ऑफ टाइम, नॉट अ सिंगल डे। देखो पीरियडाइजेशन क्या होता है कि कोई घटना, जैसे आजादी की जो लड़ाई थी वो एक दिन में नहीं हुई थी, है ना, जो स्ट्रगल था फ्रीडम का वो एक दिन में नहीं हुआ था, बल्कि एक फेज ऑफ टाइम था, यानी कि उसमें बहुत सारी घटनाएं इंक्लूडेड थी, ठीक है। 15 अगस्त 1947 एक दिन में नहीं हमें फ्रीडम मिली थी, बल्कि उसके पीछे क्या थी, बहुत सारी इवेंट्स हुई थी, ठीक है। द डिवीजन ऑफ टाइम इनटू डिफरेंट फेजेस ऑफ पास्ट इज नोन एज पीरियडाइजेशन। जब हम पास्ट के यानी कि डिवीजन ऑफ टाइम, पास्ट के जो डिवीजन करते हैं हम उनको अलग अलग फेजेस में जब बांटते हैं, जैसे कि आज़ादी से पहले का फेज, आज़ादी के बाद का फेज, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियडाइजेशन। जो आज़ादी के पहले का समय है वो एक पीरियड हो गया, आज़ादी के जो बाद का पीरियड है वो दूसरा पीरियड हो गया, ठीक है। पीरियडाइजेशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ईच प्लेस हैज इट्स ओन कैरेक्टराइजेशन, मतलब पीरियड जो हिस्ट्री का जो अलग अलग फेजेस होते हैं उनके जो अलग अलग पीरियड होते हैं उन सबके अपने अपने अलग अलग फीचर्स होते हैं। अब हम
देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है पीरियडाइजेशन की. हेल्प्स टू क्विकली रिफ्लेक्ट अवर आइडियाज अबाउट इवेंट. किसी भी इवेंट को लेके हमारे क्या आइडियाज होते हैं उसको बताने में, उसको दर्शाने में हमें जो है हेल्प करती है. यानी कि इस पीरियड के क्या फीचर्स हैं, अचानक एकदम से आपको जो है क्विकली आप किसी को भी बता सकते हो कि इस पीरियड के क्या फीचर थे. जैसे कि हम कहें कि इंडिपेंडेंस मिलने से पहले इंडिया के क्या हालात थे, तो आप क्या है एक पीरियड के फीचर्स को बता के इजीली किसी को भी समझा सकते हो. हेल्प्स टू इजीली अंडरस्टैंड द चेंजेस फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट. और जैसे कि आप कहोगे कि जो मेरा चाइल्डहुड था, तो ठीक है, तो आप जो जैसे जैसे बड़े हुए तो वो कैसे जो है आपके आज के टाइम से डिफर है. तो आप क्या है जो टाइम के साथ साथ जो चेंजेस हुए हैं उनको इजीली समझाने में जो है हमें हेल्प मिलती है. क्लियर? The history of our country, as you will agree, is a fascinating story. We get to travel back in time and learn more about how people lived, the clothes they wore, and the wars they fought in. But have you ever given a thought to how we get this information? How do historians know what happened several centuries ago in India? It is through published works, diaries, and journals of that era, as well as through historical records. The practice of maintaining records of events gained special significance during the British rule in India. The British believed that it was important to put everything into writing, and so every instruction, plan, policy decision, or agreement was clearly documented. The British were of the opinion that written material could be properly studied and debated upon. And so, an administrative culture of memos and reports was maintained. In the early years of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists, that is, by those who specialized in the art of beautiful writing. By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed to document the proceedings of each government department. Having documented everything of importance, the British believed that it was essential to preserve all of these documents. Accordingly, record rooms were set up in all the administrative institutions, such as the village Tahsildar's office, the collectorate, the commissioner's office, and the law courts. The British also believed that it was important to have specialized institutions like archives and museums to preserve the important records. In the 1920s, the National Archives of India was set up. When the new capital of Delhi was built, the National Museum and the National Archives were both located close to the Viceroy's Palace. This location reflects the importance the British attached to these institutions. Letters and memos concerning administrative issues can still be read in these archives.
You can also study notes, reports, instructions, and directives. The British were of the opinion that a country had to be properly known if it had to be administered well. So, in the early 19th century, the British adopted the practice of surveying in an attempt to learn more about India. In the villages, revenue surveys were conducted to learn more about the topography, the soil quality, the flora, the fauna, and the cropping patterns. All these facts helped the British to administer the region. There were many other surveys carried out, such as botanical surveys, zoological surveys, archaeological surveys, anthropological surveys, and forest surveys. Did these records and surveys provide an accurate, fair, and objective picture of Indian history? No, these records and surveys were not always objective. We must remember that these official records were maintained by the British. Hence, they convey the British perception of events and serve British interests. Indeed, the British often use these historical records to divide Indians on the basis of their religion. For example, in their records, the British categorized Indian history into three periods. The Hindu period, the Muslim period, and the modern period. As you can see, these records were colored by British perception. Hence, they do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. Here's another example. Take a look at this image of the revolt of 1857. This image can be found in several illustrated books published by the British after the rebellion of 1857. The caption below the image reads as follows: "Mutinous sepoys, share the loot." In British representations, the sepoys appear as greedy, vicious, and brutal, and the motives behind the revolt appear to be to fill the pockets of the revolutionaries. Is this a fair representation? Was this actually the case? Why did the revolt of 1857 occur? Discuss among yourselves and share. From the official records available in the archives, there are other sources from which we can obtain historical information. These include diaries and autobiographies of people, accounts of pilgrims and travelers, and popular booklets sold in local bazaars. And unlike official records, which present the British point of view, these sources provide actual information on the lives of the people at the time. With the advent and subsequent spread of printing, newspapers were published.